लेकिन भैया कृष्णा, जिसे तू डाकू धर्मा कहता है, अरे डाकू धर्मा नहीं बल्कि धर्मा है। नहीं, वो तुम्हारे लिए धर्मात्मा हो सकता है, लेकिन वो कानून की नजरों में एक मुजरिम है। उस पर कत्ल डकैती के काफी इल्जाम लगे हुए हैं। देखो, तुम हमारी बहन हो, अगर तुम धर्मा को भाई मानती हो तो तुम उसे समझाओ और तुम अपने साथियों सहित सब लोग अपने आप को सिलेंडर कर दो। देखो, मैं वादा करता हूं कि तुम लोगों को बहुत कम सजा होगी, ताकि इस दुनिया में तुम लोग जीवित रह सको। कृष्णा, देख मेरे भाई, मैं तेरी सगी बहन हूं और तुझसे बड़ी हूं, इसलिए कृष्णा, मैं बड़ी बहन होने के बाद तुझे भी समझाती हूँ। कृष्णा, जो तूने सौगंध ली है धर्मा को अरेस्ट करने की, वो सौगंध भूल जा, छोड़ दे और अपना ट्रांसफर इस थाने में, इस थाने से किसी और थाने में। वाह, तुम हमारी बहन, बड़ी बहन होने के नाते मुझे ये चेतावनी दे रही हो, ताकि मैं बुजदलों की तरह यहां से अपना ट्रांसफर कराकर किसी दूसरे थाने में चला जाऊं। नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन, क्योंकि अभी मैं आपसे ज्यादा बकवास करना नहीं चाहता। हमारे कहने का मतलब यह है कि तुम अपने साथियों सहित कानून के हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्दी तुम लोगों की जमानत करके छुड़ा लूंगा। नहीं कृष्णा, नहीं, ये नामुमकिन है, क्योंकि मैं धर्मा के खिलाफ कोई भी गलत बात सुनने को और मैं अपने कानून के खिलाफ कोई गलत बात सुनना नहीं चाहता। समझ गए कृष्णा? देखो, बगावत मत करो, जैसे तुम मेरे सगे भाई हो वैसे धर्मा भी मेरा भाई है, और मैं ये नहीं चाहती इन दो भाइयों में से मेरा एक भाई जिंदा हो। अगर तुम धर्मा को जिंदा देखना चाहती हो तो ये समझ लो कि धर्मा को कानून के हवाले करवा दो, नहीं तो धर्मा की लाश जाएगी, लाश। अगर और कुछ धर्मा के बारे में कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा सगा भाई है। तो बात यहाँ तक आ पहुंची। जी हाँ, अगर तुम रिश्तों की परवाह नहीं करती हो तो हमारे कानून के रास्ते में रिश्ते कोई महत्व नहीं रखते। और रही बात इस राखी की, आज के बाद मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर तुम लोग इस दुनिया में जीवित रहना चाहते हो तो कानून के हवाले कर दो अपने आप को। अगर नहीं किया तो क्या करेगा? अगर तुमने कानून के हवाले नहीं किया तो आज तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो। क्या करेगा? क्योंकि हमारा नाम इंस्पेक्टर कृष्णा है और मैं अपने कानून का पुजारी हूँ। इसके लिए चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, इसलिए अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना वरना तुम्हारा अंजाम बहुत। वाह कृष्णा, मैं जानती थी कि तुम पुलिस वाले कोई ना कोई नई चाल जरूर चलोगे। अरे कृष्णा, और नजर उठाकर देख, जिस रिवाल्वर को तू, जिस रिवाल्वर से अपनी बहन का खून करने जा रहा था, वो रिवाल्वर मेरे पास है। जिस वक्त तेरी कलाई में राखी बांध रही थी उसी वक्त रिवाल्वर मैंने निकाल लिया था। अरे कृष्णा, जैसे चुपचाप खड़े हो ऐसे खड़े रहना, अगर हिलने की कोशिश की, मां भवानी की सौगंध, इतनी गोलियां मारोगी सीना छली हो जाएगा। कानून वाले भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये मेरे डिपार्ट का आदमी है या जंगल में जब शेर घूमता है तो
तो घबराहट लोगों को होती है। शेर के खानदान वाले चिंता नहीं करते, क्या तुम मुझे मारकर पूरे कानून को खत्म कर सकती हो? नहीं, तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा। अगर मैं जिंदा बच गया तो फिर चंबल में डाकुओं का नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने को नहीं, जैसे खड़े हो चुपचाप वैसे खड़े है ना, और मधु यहां से करने के लिए। देखो धर्मा भैया, मैं तुम्हें अकेले जाने के लिए इजाजत नहीं दूंगी, क्योंकि मंदिर पर कोई अगर पुलिस का जासूस होगा तो तुम्हें जान से मार देगा। नहीं मेरी बहना, माँ भवानी मेरी रक्षा सदा से करती आई है, वैसे आज भी मेरी रक्षा करेगी, और मैं जाऊंगा तो तन्हा तो ठीक है भैया, चाहिए देखो छोटे सरकार, बात क्या है? हमारे रियासत के लोग सभी जानते हैं कि हम लोग के पास कितना पैसा है, ये तो मालूम, कितनी दौलत है। अगर कहीं डाकू धर्मा को मालूम पड़ गया तो सारा हम लोग को कंगाल बना देगा। ये तो तुम सच कहते हो, इसलिए क्यों ना उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। मिलेगा कहा? मिलेगा, क्योंकि आज वो काली माँ के मंदिर पर पूजा करने के लिए जा रहा है। पूजा करने के लिए और साल में एक बार जाता है, वो भी खाली हाथ और निहत्था। अच्छा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो फिर चलो काली माँ के मंदिर में सारे को समाप्त कर रहे हैं। हे काली माँ, मैंने उसे गोली मार दिया है और यहाँ से हम लोग, अब हम लोग को किसी बात का कोई डर नहीं है। भैया धर्मा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना, आखिर इंस्पेक्टर कृष्णा ने गोली तुम पर चला दी ना। इंस्पेक्टर कृष्णा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं मेरी बहना, गोली नहीं चलाई है, गोली चलाई है तो छोटे सरकार और तेरे पति ने मेरी बहना। छोटे सरकार, तूने मेरे भाई को मार के चले क्या? सरकार जी, चलिए मैं तुम्हारा इलाज कराती हूँ। नहीं मेरी बहना,
हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। दीदी दीदी नमस्ते, हम हवलदार हैं। दो लाख लिया तुमने, दो लाख दिए ना उस साले, क्या हम उनका हम बहा दिया, हमका हमने हाथों में किसने लिया था? दो लाख किसने लिया, दो लाख किसने लिया था? दीदी हम नहीं लिए, रंजीत साहब लिए, हमका एक दो पैसा नहीं थे। तो नौकरी सौकरी सब छोड़ छाड़ दिए, हम चार ठो बकरी पाले वही चल रहे थे। चलो ठीक है। ए दीदी, अरे हमारे मान्य उत्तम कुमार भैया आ गए, 10 रुपया भेजी ने कपड़ा उतार दिया, उतारो भैया कपड़ा उतारो। दीदी याद हमारे बेचूलाल यादव जी, बल्कि दस भाई 10 रुपए का पुरस्कार कलम छोटे सरकार के लिए आए हैं। बहादुरी यू बात हमारा पकड़ो, और दीदी तुमसे इजाजत अगर हो तो फिर दिल में ये ले। लेकिन रो मत, पहले कर्म करो। बहादुर हवलदार 14 हंटर जो अपने कंपनी में सारे सब लेके आओ, याद हुआ पन्नलाल? 10 रुपया मिले हैं हमारे बेचू यादव की तरफ से। सुनो कहीं कपड़ा पूरा पैर जिसा डाउन बस यही तो तुम्हारा राखी ले करिए। सांझन से आज तुम भाग दो कि ना मारो भैया, कि आज घर का अगर देखे तो मेहरुआ हमार देख ले तो वो है ना, कि कहीं है पति तो पैसा लगाऊ, और तुम साले मार भूसा कर दो बोले से हर समय संग ही के बलमा बलमा राजा दुल्हा भतार कलौ रजौ तो आज भैया बहुत मारो तुमका छोड़ ना। हर समय संग ही के बलमा जगावर लागे राती के जब पापे मा
हमारे राम सोहन भी आ गए। राम सोहन भी आ इसी बसई का की तरफ से।